सुबह के बज चुके हैं 8:30। चीकू स्कूल जा चुका है, मैं और गोलू ऑलरेडी उठ चुके हैं। अब हम लोग शावर वावर करेंगे, उसके बाद हम रेडी होके जाएंगे सलून। और आज पूरा दिन जाएगा सलून में, क्योंकि आज से जो है हमारे सलून का जो काम स्टार्ट होगा, तो पूरा टाइम हमें वहाँ देना पड़ेगा। बस फटाफट से कपड़े निकाल लेते हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, उसके बाद निकलते हैं सलून के लिए। तो मैंने अभी अभी इतना सारा गंद निकाला है ड्रॉर में, इतना सारा गंद चीकू निकले वगैरह ये सब इतना सारा कर रखा था, पूरा ड्रॉर साफ किया है वाला ड्रॉर साफ। तो अभी मैं और पारी कर रहे हैं थोड़ी घर की क्लीनिंग, थोड़ी सी डस्टिंग कर रहे हैं, सारा सामान जो एक्स्ट्रा था सब निकाल के रख रहे हैं। मैंने जैसे अभी पानी गर्म करने के लिए लगाया है, शावर लेती हूँ, शावर लेके पूजा करके फिर अच्छे से ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाएंगे सलून। तो गोलू का शावर हो चुका है, यहाँ कर रही है गोलू पूजा की तैयारी। पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ अभी शावर लेने, क्योंकि मैंने पूरा घर सेट किया है। अभी घर बहुत ज्यादा फैला हुआ था और बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक गोलू पूजा कर लेगी, फिर हम दोनों रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे तैयारी हो रही है पनीर के पराठे बनने के लिए, पनीर यहाँ निकाल दी है क्योंकि फटाफट यही बन सकता है, ये बना के खा के हम निकल जाएंगे। तो गाइज आज मैं और गोलू पहनने वाले हैं ये वाली ड्रेसेस मुझे शादी में गिफ्ट आई थी, गुंजन ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था, तब से पहना नहीं है तो रखा हुआ है। तो आज ये मैं पहनूंगी, ये गोलू पहनेगी, कोई भी पहन लेगा ब्लैक एंड व्हाइट। और इन ड्रेस के साथ मैंने एक ही वाला पर्स निकाला है और एक ही वाला पर्स निकाला है, और मैंने ज्वेलरी भी सारी निकाल दी है, क्योंकि सारी ज्वेलरी हमने ना बेड में रखी हुई थी, तो अभी निकाली है सारी ज्वेलरी। तो गाइज आज से हमारा जो शेड्यूल है वो यही रहेगा, हम लोग सुबह 7:30 उठेंगे, उसके बच्ची को स्कूल भेज के फिर हम लोगों को सलून जाना पड़ेगा। तो अब तो बिजी शेड्यूल है, मतलब सुबह उठ के ही शाम को ही अब चैन मिलेगा, आराम की सांस मिलेगी, क्योंकि ऑफिस भी संभालना। पनीर के परांठे, और मुझे बहुत पसंद है पनीर के परांठे, मतलब कि ना बहुत दिन से मैं परांठे परांठे खा रही हूँ, रोटी खाने का मन ही नहीं करता, मतलब रोटी तो रात को खाती हूँ बट परांठे सुबह खाती हूँ। तो यहाँ सलून जाने से सलून क्या होता है सलून जाने से पहले हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, तो हम खा रहे हैं यहाँ पनीर के परांठे। भैया ने कल फास्ट रखा था तो भैया भी नाश्ता करने आए। गोलू सलून निकलना है, टाइम हो रहा है, चल रेडी हो जाओ फटाफट। चलो चलो, क्योंकि हम प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है, है ना, क्योंकि अच्छे से ग्रूमिंग करके तो जाना चाहिए ना सलून में। तो फटाफट चल रेडी हो जाओ। तो बस मैंने दोबारा से ना फेस वॉश करा है, अब मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मॉइस्चराइजर ये रहा मेरा, कहाँ गया ये रहा मेरा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगा के दीपक हमारा फटाफट मेकअप कर देगा, फिर हम लोग निकलेंगे सलून। पर दीपक कह रहा है कि दीदी एक काम करो, आप ये ड्रेस है ना वो पहन लो ताकि मेकअप खराब ना हो, तो ड्रेस पहले पहन लेती हूँ फिर कराती हूँ मेकअप। तो यहाँ पर ना हमने अपना सामान निकाल दिया है और थोड़ा थोड़ा सामान निकाला है, क्योंकि जो सामान चाहिए वही यूज करा है, बाकी सब डाल दिया दोबारा वैनिटी में। तो गोलू ने बनाया, गोलू अच्छा नहीं लग रहा ऐसे, गोलू ने बनाए अब आज आंखों पे विंग्स। दीपक ने बोला विंग्स बहुत अच्छे लगेंगे, अभी ये बहुत भयानक लग रही है पर मेकअप दूर से देखोगे ना तो बिल्कुल लाइट है। तो यहाँ पे ना मेरा मेकअप हो गया एकदम डन, बस पायल की टर्न है, पायल का मेकअप स्टार्ट हो रहा है। क्या हुआ पायल, परेशान क्यों है? तो इतनी दुखी क्यों जाती है? तो आज नया फॉरएवर यूज कर रहा हूं। तो आज हम नया फॉरएवर 52 यूज कर रहे हैं, कंसीलर मैंने भी यूज किया था। भैया आप कैट को देखते हो क्या? हेलो, एक्चुअली कैट ऊपर से नीचे गिर गई है। कितने फ्लोर से गिरी है? 10, पता ही नहीं। किन के बाद? भैया ये ना कुछ टाइम पहले मैं गब्बर को घुमा रही थी नीचे, तो एक हस्बैंड वाइफ थे तो उनके पास ये बिल्ली थी, मुझे उनका फ्लोर नहीं पता। हाँ वो करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चाबी लेके, इनका ना ओनर का नंबर लेके आओ ना, कहाँ है ओनर? गाड़ी चाबी लड़की को भेजे। पायल काम क्लीन क्यों नहीं कर रही है? मैं ले जाता हूँ, रुक जाओ। नहीं कर रही। तो हमने फटाफट, वो भैया आए थे नीचे, उनको पता नहीं था गिर गई है, क्योंकि वो बहुत प्यार से रखते हैं अपने कैट को, हमने देखा है, इतने संभाल के रखते हैं, अपने साथ ऑफिस लेके जाते हैं जब भी वो घर पे नहीं होते। आज घर पे थे, उसका अलग से बैग बना रखा, मतलब बहुत प्यार से अपने पैट को रखते हैं वो। पता नहीं आज अनलकली वो कैसे गिर गई नीचे, और वो इतनी रो रही थी, उसकी जो मतलब भैया की वाइफ थी वो इतनी रो रही थी ऊपर से बहुत ज्यादा, जैसे कोई अपने बच्चे के लिए करता है ना सेम वैसे कर रही थी। तो भैया आए नीचे देखने के लिए कैट को, वो चाबी मंगा रहे थे, हमने कहा आप चाबी अभी छोड़ो, नितिन भैया के साथ भेजा हॉस्पिटल, और शिवा को भेजा, दोनों को हॉस्पिटल भेजा। अब भगवान करे उनकी कैट बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मैं और गोलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हम लोग निकल रहे सलून के लिए, बज चुके हैं 12, थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि नीचे कैट डिग्री थी, उसे भेजना पड़ा ना हॉस्पिटल, तो बस अब निकल रहे हैं। तो ये है मेरा और पायल का फाइनल लुक, हम लोग कुछ ऐसे रेडी हुए हैं, और काफी टाइम बाद ना हम लोग रेडी हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है यूजुअली हम नाइट सूट में रहते हैं, तो हमने
सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस सब निकालेंगे, रोज सैलून में पहनेंगे ताकि